ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, आपने भगवान शिव के ग्रस्त जीवन के विवाह की कथा को सुनाया, पर शिव की विवाह की कथा को सुनकर हमारे मन में एक बहुत बड़ी शंका पैदा हो गई। भगवान शिव त्रिलोकीनाथ है, विश्वनाथ है, दीनानाथ है, भोलेनाथ है, परंतु भगवान शिव ने दो विवाह क्यों किए? हे महाराज, पहला विवाह सती के साथ में हुआ। सती का अर्थ होता है पतिव्रता। सती का क्या अर्थ होता है? पतिव्रता। और शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। जहां पतिव्रता जैसी धर्म पत्नी हो और त्रिलोकी का कल्याण करने वाला पति हो, फिर भी शिव और सती का ग्रस्त जीवन कैसे समाप्त हो गया है? हे महाराज, ऐसा कौन सा ग्रस्त जीवन में कमी रह गई थी कि त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, दीनानाथ का सती से विवाह हुआ और सती को सुसाइड करना पड़ा, शरीर को योग अग्नि के द्वारा जलाकर भस्म करना पड़ा। ध्यान देना, सूत जी कह रहे, महाराज जन्म पत्री मिलाने वाली कोई कहानी तो यह है नहीं, क्योंकि शिव का जन्म ही नहीं हुआ। अगर आज के जमाने में कभी घर में परेशानी आती है, पति पत्नी में महाराज विवाद संवाद प्रमाद हो जाता है, कभी झगड़ा होकर रगड़ा हो जाता है, रगड़ा भी जब तगड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि आपकी जन्म पत्री नहीं मिलाई होगी, गुण गण नहीं मिले होंगे, तब जाके ऐसा हो गया। यद्यपि ज्योतिष प्रमाणिक है, आज भी जो लोग जन्म पत्री बिना मिलाए विवाह कर देते हैं, वास्तविकता में 98% मैंने प्रत्यक्ष में प्रमाण देखा कि उन लोगों का घर आगे नहीं चल पाता। एक बार मैं टीवी पर सुन रहा था, किसी महाशय ने बहुत बड़े विद्वान संत से कह रहा था कि लोग जन्म पत्रियों के चक्कर में पड़ते हैं, मैंने तो अपने बेटे बहुओं की जन्म पत्री नहीं मिलाई, मैंने अपनी जन्म पत्री नहीं मिलाई, पर मेरा परिवार तो परम सुखी और आनंद में है। यद्यपि वो सनातन धर्म से विलोम नहीं करते थे, किसी अन्य पंथ से विलोम कर रहे थे, तब हमने जवाब दिया कि ये ज्योतिष विज्ञान है, संतों के हृदय का ज्ञान है और ये मानव जीवन का सच्चा प्रमाण है। जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष कोई सही नहीं है, धन्यना, ज्योतिष को कोई झूठा नहीं सकता। आज एक साल पहले पंचांग तैयार करके बता दिया जाता है, सूर्य किस समय में उदय होगा, किस समय अस्त होगा, कब ग्रहण पड़ेगा, कब तूफान आएगा, कब आंधी आएगी, यह भी एक विज्ञान है। पर जो सनातन धर्म से विलग रहने वाले, जिनको हम धर्म नहीं कह सकते, वो पंथ हैं, अज्ञानतावश ईश्वर के पिछले जन्मों के दिए पुण्य प्रताप से उन्हें सुंदर घर बार मिल गया, परिवार मिल गया, कारोबार मिल गया, रिश्तेदार मिल गया, तो कहते कि ज्योतिष की जन्म पत्री नहीं मिलाई, मेरे बेटे बहू और सब प्रसन्न है। मैं आपको कहना चाहूंगा, 2 महीने बाद उसी परिवार से मेरे पास फोन आया, मैंने टीवी में देखा था उसको बोलते हुए,
मगर उसी पंथ के अनुयायी जो संत व्यास गद्दी पर बैठे थे वो भी हां में हां मिला रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। शास्त्र कहता है सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म कर तीन होय बेग ही नास। व्यास गद्दी पर बैठने वाला यदि संत गुरु किसी अपने शिष्य या भक्त अगर उसकी अनर्गल बातों को स्वीकार कर ले वे हां में हां भरे तो समझ लेना कि वो बिका हुआ संत है, वो खरीदा हुआ संत है। उसे लगता है कि इसका विपरीत मैंने बोल दिया तो ये मेरी कथा नहीं कराएगा, ये मुझे दक्षिणा नहीं देगा, मेरा सम्मान नहीं कराएगा। उसी व्यक्ति का मेरे पास फोन आया, और उसका तो नहीं आया, उसकी बेटी का फोन आया ससुराल से। जब मैंने पूरा एड्रेस पूछा तो उसने जो नाम बताया, धाम बताया, काम बताया, मैं तुरंत समझ गया। मैंने कहा बेटा तेरे पिताश्री ने अभी पीछे 2 महीने पहले टीवी पे ऐसा बोला था। बोले साहब क्या करे, वो केवल जनता में लाइव चल रहा था तो अपने को दिखाने के लिए बोल रहे थे। आप मुझ पर कृपा करो, मैं बड़ी दुखी हूं, है पति से भी दुखी हूं, परिवार से भी दुखी हूं, कारोबार से भी दुखी हूं, रिश्तेदार से भी दुखी हूं, आहार से दुखी हूं, संस्कार से दुखी हूं, विचार से दुखी हूं। और जैसे ही मैंने अपनी स्वर ज्ञान विद्या से उसे उपाय बताया, 1 महीने के बाद वो देवी स्वयं चलकर के मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। लेकिन यहां भगवान शिव की कथा में कई बार लोगों को शंका होती, महाराज जिसको अपनी जन्म पत्री का जन्म समय ठीक याद नहीं, जिसको अपने समय याद नहीं है तो कैसे जन्म पत्री मिलेगी। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने जिन लोगों की जन्म पत्री का समय मालूम नहीं, स्थान का मालूम नहीं, या जन्म पत्री नहीं बनाई गई, तो हमारे यहां ज्योतिष में दूसरी विद्या दी है जिसको अंक विद्या कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों की अंक विद्या से भी जन्म पत्री तैयार हो जाती है। धन्यना, हालांकि मैंने तो ज्यादा ज्योतिष नहीं सीखा, 1970 से लेकर के 75 से तक ज्योतिष तो सीखा, पर आधुनिक जो कंप्यूटराइज ज्योतिष शास्त्र है उसको चला नहीं था। तब मैंने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेरे श्री राम मंदिर आश्रम के पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी को मैंने कहा जो काम मैं नहीं कर सका वो तुम्हें करना होगा। उन्होंने 7 वर्षों का घोर तप किया। ज्योतिष वास्तु अंक विद्या हस्त रेखा कर्म कांड जैसे ज्ञान को प्राप्त करके जब वो आए तो हमने कई प्रश्न उनसे किए। उन्होंने कहा कि ज्योतिष में प्रमाणिक है। 2-3 बार हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि इस समय में ये काम आपका होगा, और हुआ, इसको ज्योतिष कहते हैं। हां ज्योतिष बताने वाले में अगर कमजोरी है या ज्योतिष का प्रमाण सुनने वाले में कमजोरी है तो भले इस शास्त्र विद्या को बदनाम किया जा सकता है। आज भी वो पूरे भारत में प्रकांड ज्योतिषाचार्य वास्तु विज्ञान और शिव महापुराण के परम ज्ञाता बनकर आज भी हमारा नाम रोशन कर रहे, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे। ध्यान देना, ज्योतिष कभी झूठा नहीं हो सकता। केवल धर्म के रूप में ज्योतिष को मत देखो, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। हमारा पूरा विज्ञान भी, विज्ञानी भी, ज्ञानी विज्ञानी, और जिनको साइंस
कहा जाता है, उनसे भी मेरी कई बार इस विषय पर बातचीत हुई, वो लोग भी उसको मानते।